कहानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी की, जिन्होंने 9 सालों में बदल दी देश की सड़कों की सूरत, जिसने अटल आडवाणी के साथ देश देखा और मोदी के नेतृत्व में कायाकल्प कर दिया। नितिन गडकरी भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जिसके काम की तारीफ में केवल सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्षी नेता भी कसीदे पढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि नितिन गडकरी ने एक बार सड़क बनवाने के लिए अपने ससुर के घर पर ही बुलडोजर चलवा दिया था। काम के प्रति इतना समर्पण और देश सेवा का जज्बा रखने वाले नितिन गडकरी का जन्म नागपुर में हुआ था, जहां से आज वो सांसद हैं। नितिन गडकरी की फर्श से फलक तक पहुंचने की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही गडकरी राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे। पहले वो ABBP से जुड़े, फिर वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए। 24 साल की उम्र में वो भारतीय युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट बन गए। 35 साल में वो महाराष्ट्र BJP के राज्य जनरल सेक्रेटरी बने। 1989 में महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य बने। तब से लगातार 20 साल तक विधानसभा परिषद के मेंबर चुने गए। नितिन गडकरी को शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार में 1995 से 1999 तक की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री का जिम्मा मिला था। करप्शन के आरोपों वाला विभाग मिलने के बाद भी गडकरी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गडकरी ने मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनवाए और देश का पहला एक्सप्रेसवे भी बनाकर देश भर में सुर्खियां बटोरी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे समेत पूरे महाराष्ट्र में सड़कों का जाल बिछाने के कारण एक तरफ बालासाहेब ठाकरे गडकरी को रोडकर कहना शुरू कर दिया, तो बाकी लोग गडकरी को ब्रिज भूषण और फ्लाईओवर मैन कहने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने नितिन गडकरी के काम को देखकर उन्हें NDA की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था। तब गडकरी ने अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लीड किया। इसके बाद 2009 में गडकरी को BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने 2012 में जब गडकरी पर घोटाले का आरोप लगाया तो वो दोबारा पार्टी का अध्यक्ष नहीं बने। हालांकि केजरीवाल ने इन आरोपों के लिए 2018 में गडकरी से लिखित माफी मांगी थी। खैर 2014 में जब BJP सत्ता में आई तो PM मोदी जानते थे कि अगर देश की बदहाल सड़कों का कायाकल्प अगर कोई कर सकता है तो वो है गडकरी। नितिन गडकरी ने पहले ही साल में वो कर दिखाया जो उनसे उम्मीद थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से पहले हर दिन मात्र 2 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन होता था, लेकिन गडकरी के कार्यकाल के पहले साल में ये बढ़कर 16.5 किलोमीटर हुआ। दूसरे साल में 21 किलोमीटर हो गया। 2020 से 21 तक हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई थी। नितिन गडकरी का टारगेट इस साल के आखिर तक इसे 68 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंचाने का है। 2019 में जब मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई तो कैबिनेट में कई बदलाव हुए, लेकिन नितिन गडकरी का काम सतत जारी रहा। आज मोदी सरकार के सबसे कमिटेड मिनिस्टर्स में से एक नितिन गडकरी देश में ऐसी सड़कों का जाल बिछा रहे हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। देश के कोने कोने में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, दिनों की दूरियां घंटों में पूरी हो रही है। 2014 से पहले सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा होते थे, लेकिन आज एक गड्ढा भी अखबारों की सुर्खियां बन जाता है, क्योंकि आज देश की जनता क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की भी उम्मीद करती है। नितिन गडकरी एक तरफ सड़कों का जाल बिछा रहे हैं तो वहीं क्लीन एनर्जी के सेक्टर में भी तेजी से भारत को आगे ले जा रहे हैं। आज इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। एथेनॉल ब्लेंडिंग हाइड्रोजन कार की चर्चा आम है। नितिन गडकरी आने वाले कुछ सालों में देश के भीतर रोपवे नेटवर्क बनाने में जुटे हैं। नितिन गडकरी ऐलान कर चुके हैं कि 2024 के अंत तक भारत की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी। गडकरी का मानना है कि देश के अमीर होने से सड़कें अच्छी नहीं होती, बल्कि अच्छी सड़कों के कारण देश अमीर होते हैं, क्योंकि सड़कें किसी भी देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। अगर अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो निवेश नहीं आएगा, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसीलिए देश में शिक्षा स्वास्थ्य के बाद सबसे ज्यादा जरूरत सड़कों या कि बेहतर कनेक्टिविटी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।